दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह क्या जाएगा? यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। आह, किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं, इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला, अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। मेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स है जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ, तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेविका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है, इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा।
मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। वेंसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पिच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज है। दादी सो मच, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराए क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है, मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। आह, कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद, मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आंख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वह नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई, मैं खास करके तुम्हारे लिए हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान, मैं सलाद बना सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रोटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी।
खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है, और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। कैफिर, मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम, ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है, मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद ही महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, बहुत स्वादिष्ट। केट, शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है, तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी, यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को, मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा, और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है, कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा, मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज इतना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो, पर न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है, ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है, न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है, पर ये बढ़िया है, कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मैनेज, अभी भी बाहर नहीं आ रहा है, अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन ये घिनौना लग रहा है।
मेरे केक में कुछ गड़बड़ है, शायद ये काफी नहीं है, दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं ये रोलर ले लेती हूँ और इसे मैनेज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है, मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है, मेयोनेज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है, मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है, यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी, तुम्हारा केक, ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है, मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होऊंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है, मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं, बनी और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भींग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरा नुकसान हुआ, हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है, दादी आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ओके। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। ओके। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले, मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मास थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, कट और ट्विस्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी।
सुंदरता के लिए एक सुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है, और मैं गमी बेर भी डालूंगी और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जैन देखो और सीखो, हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है वहाँ, क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डाले और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डाले और इसे अच्छे से हिलाते रहे। हाँ। सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही, अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी तुम बहुत मजबूत हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, यह अब इसे सांचों में डाल सकते हैं, इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कारमेल जम गए हैं, अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कारमेल से पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कारमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओ, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओ, ये मेरा कारमेल है, ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनारी हो बच्चे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस से मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया, दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे यह लेना है, यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है, मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इससे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्लेडो है,
किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत, कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। कितना भयानक। क्यों, क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है, अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। येलो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है, इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है, उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर, और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई, ये कम पड़ जाएगा। वाह, पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है, मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर भी उसे सूंघना बंद करो, तुम वह नहीं खा सकती। तुम गलत हो, मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह, क्या किस्मत है। खैर, बहुत कुछ नहीं बचा है, मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम, शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है, ऐसा नहीं लगता, तो बहुत सख्त है। यह चॉकलेट है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीवी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया, तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस लगभग साफ हो गया। हाँ, यह ठीक है, अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट, देखने से पता नहीं चल रहा है। ये असली पॉपिट्स है, बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह, यह कितना सुकून देने वाला है, यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वाह, चिप्स, यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं, मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीवी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आँख में गिर गए, ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है, मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर, बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय कि मेरे जार में क्या है, मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो, यह नहीं हो सकता, इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी, टेबल को देखो। ओ, वे यहाँ है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता था। मेरी राय में पूरे एक दर्जन है, यह निश्चित रूप से एक चिप से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था, मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ।
ओह, और ये फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मियाँ, मेरे गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स, वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस डेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा, अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल, मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, यह सब तुम्हें कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मियाँ को बचाने का समय आ गया है। एक सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं है। और फीवी के पास केवल एक ही है, लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि यह सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है, एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ। हम इसे याद रखेंगे किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया, बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते, मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है, ये कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया की सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया? तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया। इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी? जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ, तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फिर भी सही कह रही है, शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते, हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये बिल्डर का सूट है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है। मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार। यह आखिरी मीठी ईंट थी, मुझे उतरने के लिए भी मत कहो। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो, यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया? मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था। चॉकलेट की खातिर हमें यह कदम उठाना पड़ा और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है, ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा? इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ, मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है, ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाक किया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है, एक बार में 100 टुकड़े। और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है, ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है, यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी, यह अजीब लग रहा है। लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है। कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है, और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है, यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, ये बहुत अच्छा था। अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए, बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है, और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है, मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी, मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने
अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी है। कितना बुरा, होने अभी वापस जगह पर रखना होगा। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीवी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं पढ़ा। मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी, मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है? इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है? चलो, यह कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीवी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं, उसका बबल बहुत बड़ा है। लेकिन हमें उसे बचाना होगा। एक रास्ता है, तुम्हें एक गुलेल शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है, मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुक गए। मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए। माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बहुत धन्यवाद। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा है और मेरे पास केवल एक? ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है, मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा, ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तुम मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या, हमने तुमसे कहा था। हाँ, एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है, मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब, अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है।
मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा हार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओके। ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ, और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है, तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। हाँ, यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया, जूली केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है, सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा, और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर, यह लो। कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रिक्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी हैं, चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है, मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज, स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं,
मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा। मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मीला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? Okay. पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा। अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे मुझे हबा बाबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है। क्या यह सही नहीं है? उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर? ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है। और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ सच में, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। वे रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कमाल का निकला। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ। Okay. हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है ये एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है। उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है। और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट बिल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले। हुरे, बारिश, यह अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? हाँ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूली, तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है।
अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आँखों का समय है, उन्हें न केवल खा सकते हैं बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, यह आँखों को चखने का समय है। कैसा है, स्वादिष्ट? बहुत, मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। छी, कितना गंदा लग रहा है। छी, कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आंखें निकल रही है। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारते कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको, अब मैं तुम्हारे मुंह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली, तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई, तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। ये रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी, लेकिन लहसुन नहीं। ये बहुत खराब है, अजीब है। किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है? बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छिले हुए लहसुन में। हो गया। और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ, कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा, बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। Come on!
अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मिला यह तुम्हारी गलती होगी और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, यह सच में गंदा लग रहा है। यह मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। जी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। ओह, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह।